व्हाट्स अप व्यूअर्स, आज मैं आपको 10 स्किन केयर मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिन्हें सोच के आपको लग रहा होगा कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो रही है, लेकिन हो रहा है इसका अपोजिट, आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो रही है। जानना चाहते हो ना, दैट्स इंटरेस्टिंग बॉयज, लेट्स हॉप इनटू। नंबर 6 इज बैड स्लीपिंग शेड्यूल, यानी कि आपका कुछ सोने का शेड्यूल ही नहीं है। देखो, स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम कितने महंगे प्रोडक्ट यूज कर लो, तुम कितने मर्जी सीरम लगा लो अपने फेस पर, चाहे तुम कितनी अच्छी डाइट रख लो, वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर आप स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हो आपकी स्किन के लिए तो हानिकारक है ही। जब हम सोते ना तो हमारी स्किन जब वो रिजुविनेट होती है, हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो वापस से रिपेयर होते हैं, यानी कि उन पर ग्लो आता है। तो आपको अपने स्लीप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ना कि आपको रात भर जगना है। अगर आप तो आपको अपनी स्किन को तो आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, तभी तो इसे बहुत सारे एक्टर्स और मॉडल्स कहते हैं ना, ब्यूटी स्लीप। 7 इज आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेग्रेंस के प्रोडक्ट यूज करना, यानी कि जिनके ऊपर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कलर्स होते हैं, तो दोनों ही हानिकारक होते हैं। देखो, ये दोनों जब चीज़ें होती हैं तो हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी होती है आर्टिफिशियल, ठीक है। फ्रेग्रेंस भी आर्टिफिशियल, कलर भी आर्टिफिशियल, तो दोनों चीज़ें मिलकर हमारी स्किन को कर देते हैं, हमारे पोर्स को करते हैं क्लॉग, और हमारे जो स्किन पर ऑयल बैलेंस होता है ना, उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, यानी कि ऊपर नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, या तो ज़्यादा कर देते हैं ऑयल प्रोडक्शन, या तो पूरा ही कम कर देते हैं। सो आप कैसे भी यूज़ करते हैं, तो किसी चीज़ में, किसी प्रोडक्ट में अगर नेचुरल फ्रेग्रेंस है किसी फ्रूट की, है ना, तो उसे आप यूज़ कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल से दूर रहना अपने कलर से भी, फ्रेग्रेंस से भी। 8 इज बैड डाइट। आपने ये बात सुनी होगी कि जो हमारे पेट में होता है वही हमारे स्किन पर दिखता है, तो हमारी बैड डाइट में से आपको किन किन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, मेरे साथ बोलो, चलो मैदा, मीठा, फ्राई और डेयरी, इन चारों प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा कम यूज़ कर दीजिए। लेकिन मेरी पूरी बात सुनो, इनके लिए मैंने अल्टरनेटिव्स भी आपके लिए ढूंढ के रखे हैं, तो आप देख लीजिए। ये चारों चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर से, हमारी स्किन के लिए बेटर नहीं होती है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, वो हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन हमारी स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। स्क्रीन शॉट ले लो, आपके बहुत काम आएंगे। 9 इन चीज़ों को आपने कभी भी यूज़ नहीं करने अपने फेस पर, जो कि हैं लेमन, गार्लिक, विनेगर, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा। इन चीज़ों को आपने डायरेक्ट अपने फेस पर नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है, ये सभी के सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारी स्किन को ये बर्न कर सकती है, हमारी स्किन पर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपको इन चीज़ों का यूज़ करना, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, ये डाइल्यूटेड होना चाहिए, यानी कि आप इसकी क्वांटिटी ली तो कुछ को आप डाइल्यूट कर दीजिए, पानी डालकर, रोज़ वाटर डालकर, या फिर इसके साथ एक कोई चीज़ होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना अपनी स्किन पर। इसकी परसेंटेज बहुत ही कम होनी चाहिए, अगर आप किसी अन्य फेस पैक वगैरह में यूज़ कर रहे हो, अपने लेमन का यूज़ कर रहे हो, तो कम से कम 3-4% होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं रखनी है। तीसरी चीज़, आपको डेली यूज़ नहीं करना है, कभी कभी यूज़ करना है, डेली आपको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल। एंड फाइनल नंबर 10 इज नॉट वर्किंग आउट, यानी कि वर्कआउट ना करना। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़, जिसकी मदद से आपकी जो स्किन पर स्वेट है वो आए, और स्वेट आएगा तो क्या होगा, देखो हमारी स्किन में से जब स्वेट निकलेगा तो साथ साथ हमारी जो स्किन के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, डर्ट है, कुछ ऐसा डर्ट होता है ना हमारी स्किन के अंदर पूरा चला जाता है, वो भी निकलेगा। तो वर्कआउट करना हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा ही होता है और हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, वर्कआउट करने के बाद आपको 5-10 मिनट के बाद आपको अपने फेस को वॉश करना है, फेस वॉश से, नहीं तो आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस डेफिनेटली कर देना, ताकि आपको स्टाइल, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। दैट्स फॉर टुडे बॉयज, सी यू नेक्स्ट टाइम।